एंजेलिना जोली ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। एक्टिंग नहीं, इस मामले में जीता टोनी अवार्ड। तो वहीं हैरी पॉटर ने भी जीता अपना पहला टोनी अवार्ड। प्रियंका चोपड़ा ने दी स्टार को बधाई। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। टोनी अवार्ड की शाम रही कुछ स्टार्स के नाम जो हैं आपके भी फेवरेट। कौन कौन है बताती हूँ आपको। हाल ही में 77th टोनी अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें हॉलीवुड की कई फिल्में और बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने बाजी मारी है। इस लिस्ट में इंग्लिश सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने भी कमाल कर दिया और पहली बार टोनी पुरस्कार जीत लिया है। ना सिर्फ एंजेलिना बल्कि आपके हमारे सबके फेवरेट हैरी पॉटर यानी डेनियल रेडक्लिफ ने भी जीता अपना पहला टोनी अवार्ड। दरअसल एंजेलिना जोली ने द आउटसाइडर्स अ न्यू म्यूजिकल के निर्माण के लिए अपना पहला टोनी अवार्ड जीता है। आपको बता दें, टोनी पुरस्कार समारोह में एक्ट्रेस अपनी 15 साल की बेटी के साथ पहुंची थी और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम माँ बेटी वहां मौजूद रही। एंजेलिना की बेटी विवियन जोली पिट ने भी हिट ब्रॉडवे संस्करण पर नोट्स शेयर किया। समारोह में निर्माता मैथ्यू रेगो ने टोनी पुरस्कार स्वीकार करते समय जोली को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने इस दौरान द आउटसाइडर्स के लेखक एस ई हिंटन का भी नाम लिया जो कि दर्शकों में मौजूद थे। तो इसी बीच सोशल मीडिया पर हर कोई उन्हें इस अवार्ड के लिए बधाई दे रहा है। इस मामले में प्रियंका चोपड़ा भी पीछे नहीं रही और उन्होंने एंजेलिना जोली को लेकर एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है। विवियन को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई, ये जीवन में हर चीज और उससे कई ज्यादा की हकदार है। द आउटसाइडर्स के लिए बेस्ट म्यूजिकल टोनी अवार्ड जीतने पर आपको बहुत बहुत बधाई। 12 नॉमिनेशन में आपकी फिल्म ने जलवा दिखा दिया। आप काफी पॉपुलर हैं और मैं सच में हर दिन आपसे इंस्पायर्ड होती हूं, एंजेलिना जोली। मुबारक हो विवियन। वैसे आपको बता दें, अपने लंबे फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्म करने वाली एंजेलिना जोली को पहली बार टोनी अवार्ड मिला है। बतौर निर्माता उन्हें ये पुरस्कार अपनी फिल्म द आउटसाइडर्स अ न्यू म्यूजिकल के लिए मिला है। इस जीत का श्रेय उन्होंने पूरे तौर से अपनी लाडली विवियन को दिया है और बताया है कि किस तरह से उसकी जिद से उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। वहीं हम सबके फेवरेट हैरी पॉटर यानी डेनियल रेडक्लिफ को भी मैरिली वी रोल अलोंग में शानदार एक्टिंग के चलते पहली बार टोनी अवार्ड मिला है। डेनियल रेडक्लिफ इस मौके पर काफी भावुक नजर आए। पुरस्कार लेने के बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू करते ही कहा कि वो जल्दी जल्दी अपनी बात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो ना रोए। डेनियल ने अपने स्पीच में स्टेज पर मौजूद सभी लोगों और अपने सह कलाकारों जोनाथन ग्राफ और लिंडसे मेंडेस को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि वो उन दोनों के साथ काम करने को बहुत याद करेंगे। डेनियल ने कहा है कि वो कभी इतना अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इस दौरान जोनाथन ग्राफ रोते हुए दिखाई दिए थे। इस बीच डेनियल ने अपने पेरेंट्स को मिस किया, साथ ही इन्होंने अपने बेटर हाफ और बेटों को धन्यवाद कहा। रिपोर्ट्स की माने तो डेनियल रेडक्लिफ ने अपने करियर को लेकर बात करते हुए कहा कि हैरी पॉटर खत्म होने के बाद उन्हें मालूम नहीं था कि उनके करियर का क्या होगा। वो अपने फ्यूचर को लेकर कंफर्म नहीं थे। बता दें, मैरिली वी रोल अलोंग में डेनियल रेडक्लिफ ने चार्ली क्रिंग्स का रोल प्ले किया था जो गीतकार से नाटककार बनता है। वैसे ये दोनों हम सबके फेवरेट वाली कैटेगरी में आते हैं, तो आप भी सोशल मीडिया के थ्रू इनको बधाई दे सकते हैं। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।